जैसे मनुष्य का देह होता है, पंच तत्व के द्वारा बना हुआ, विविध तरह के संस्कार, विचार और भावनाओं का लिया हुआ, यह मन, यह चित्त, यह शरीर न जाने जन्म जन्मांतरों के संस्कार से सिंचित यह हमारा मन, हम सभी लोग यही कुछ लेकर के इस दुनिया में आए हैं। और सच मानिए, जीवन में हमको अब आज के दिन में कुछ हमको अपने से आगे दिखाई देते हैं, कुछ बराबर चलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ हमसे पीछे भी हमको दिखाई देते हैं। न जाने यह यात्रा कब से चली आ रही है, अनवरत यह यात्रा चल रही है। और जो आज हमसे आगे दिखते हैं, न जाने वो कितने बार हमसे पीछे रहे होंगे। जो हमसे पीछे दिखाई देते हैं, न जाने हमसे आगे कितनी बार वो रहे होंगे। कब किसके पुत्र बने, कब किसकी पुत्रियां बने हम, कब माँ बने, कब बेटे बने, कब पति बने, कब पत्नियां बने, कुछ पता नहीं। यह एक अनवरत यात्रा है, यह तो दीर्घकालिक यात्रा है, यह पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा है। पिंड है आत्मा, उसके द्वारा जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है और आगे जो चल रही है, वो बहुत लंबी यात्रा है। तो जहाँ हम तत्काल का स्मरण करते हैं, एक क्षण के लिए हम सोचते हैं, तो हमको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम उद्वेलित होते हैं। तत्क्षण हमको लगता है कि ये क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इससे हम कैसे बचे, ये होता है तात्कालिक रूप में। दीर्घकालिक रूप में सोचते हैं तो हमको याद आने लगता है कि यात्रा तो बहुत लंबी है। तो जो सुख दुख की परिभाषाएं हैं जीवन में, अनुकूलता प्रतिकूलता की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को यदि हमें देखना है, तो हम लोग जब उसको बहुत बड़े रूप में देखें, तो हमको बहुत अनुकूलता में भी बहुत हर्ष नहीं होगा और प्रतिकूलता में भी दुख नहीं होगा। पर हम जितना संकुचित होते जाते हैं, स्व में केंद्रित होते जाते हैं, तो उतनी ही वो चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। थोड़ी सी अनुकूलता पाने पर आदमी बहुत अतिरेक प्रसन्नता दिखाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता पाने पर वो जो है अतिरेक रूप में बहुत विचलित और उद्वेलित और दुखी होने लगता है। तो हमको पहले तो यह समझना है कि यह जो जीवन पथ है, जीवन यात्रा है, यह एक लंबी यात्रा है। इसको हम बहुत छोटे रूप में ना लें, तो इससे क्या होगा, हम विचलित नहीं होंगे। और अनुकूलताएं हैं तो उसका सदुपयोग कर पाएंगे, प्रतिकूलताएं हैं तो हम विचलित नहीं होंगे। यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। फिर दूसरी बात आती है कि हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूलताओं की जो एक लंबी श्रृंखला है, विविध तरह की प्रतिकूलताएं सबके सामने हैं। पहली प्रतिकूलता जीवन की होती है वह, क्योंकि आप अधिकांशतः बहुत सारे लोग स्वस्थ भी हैं, पर बहुत सारे लोग विविध तरह के व्याधि से पीड़ित भी हैं, तो जो पहला जो दुख है, वैसे पतंजलि दर्शन में एक जगह पर, व्यास भाष्य में एक जगह पर वर्णन है कि दुनिया में 5 कष्ट ऐसे हैं कि जो भी आया है उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, या कोई रंक हो, या गरीब हो, फकीर हो, अमीर हो, ऐसा कहते हैं। तो 5 दुखों में कहते हम दुनिया में आते हैं, उससे पहले हमको जो है ना भयानक दुख का सामना करना पड़ता है। वह दुख है गर्भवास दुख, क्योंकि जितने भी हम बैठे हैं माँ के गर्भ में, हम सब 9 महीने रहे हैं, कुछ 2-4 दिन फालतू भी रह लेते हैं, कुछ 10-20 दिन पहले भी आ जाते हैं, अलग बात है। सामान्य रूप से 9 महीने हम सब रहे हैं, तो 9 मास का जो कष्ट है, यदि उसको बहुत गहराई से विचार किया जाए, और अभी तो मॉडर्न सिस्टम के अंदर भी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं कि वो उसको महसूस किया जा सकता है कि माँ खट्टा खाती है तो बच्चा
फील करता है, माँ तीखा खाती है तो उसको भी लगता है, माँ दुखी होती है तो उसको भी दुख महसूस होता है, माँ जो है जब वह प्रसन्न होती है तो उसके अंदर प्रसन्नता होती है, और इवन इतना तक भी आजकल हुआ है कि बाहर की जो आवाज़ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उस ध्वनि का भी अंदर प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु की तो हमने कहानियाँ सुनी थी, लोग कहते थे ऐसा संभव है, पर मॉडर्न सिस्टम में अभी वो चीज़ भी प्रमाणिक हो चुका है कि जो हमारी परंपराएं थी वो गलत नहीं थी, वो सही है। वहीं से हम सुख दुख की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं जहाँ दुनिया ने नहीं देखा, हमने दुनिया को नहीं देखा, पर दुख से हम गर्भवास दुख, फिर जन्म दुख। जब पैदा होता है तो एक पैदा होते समय माँ को तो कष्ट होता है, जब बच्चा जब बाहर आता है गर्भ में से माँ को बहुत पीड़ा होती है, पर कुछ माँ को स्मरण रहता है क्योंकि आयु के हिसाब से वो स्मृति में चित्त में रहती हैं, पर बच्चे को क्योंकि तत्क्षण वो बाहर आ रहा होता है उस समय स्मृतियाँ कम रहती हैं, तो पर वो पीड़ा तब होती है बच्चे को। तो कहते हैं एक तो गर्भ में से बाहर आने का जो आने की जो पीड़ा होती है वह पीड़ा होती है, दूसरी बात ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय पर उसकी चित्त के अंदर बहुत सारी स्मृतियाँ, सब स्मृतियाँ तरोताज़ा रहती हैं, वो बाहर आता है उस समय तक भी कहते हैं कि वो स्मृतियाँ चित्त में होती हैं, पर ऐसा हमने देखा भी है, कई लोग ऐसे आप लोग होंगे भी, और मुझे तो अपने भी बचपन की कई सारी चीज़ें स्मरण में हैं, या कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें बच्चे बचपन में बताना शुरू कर देते हैं, तो वो जो स्मृतियाँ होती हैं वो चित्त के अंदर होती हैं, तो उसको लगता है कि नहीं मैं जो पिछले जन्म में या गर्भ में मैंने ये सब पीड़ाएँ सही थी, फिर अब मुझको फिर इस दुनिया के लिए फिर आगे बढ़ना है, संघर्ष में फिर आना है, तो सारी चीज़ें वो चित्त में, तो गर्भ दुख सबको सहना पड़ता है, फिर हम जन्म दुख भी हमको सबको सहना पड़ता है, उसके बाद में कहते हैं कि जरा दुख। जरा जो है एक व्याधि दुख जो है, व्याधि दुख पहले कि दुनिया में जो भी आया है बोले बहुत मुश्किल से ही किसी को ऐसा शरीर मिलता है कि जहाँ हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी जो है वो व्याधि जो है ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम पीड़ित रहते हैं, पर कई लोग कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि हम बहुत विकराल रोगों से ग्रसित भी हो जाते हैं, तो वह दुख भी कभी ना कभी हमको सामना करना पड़ता है। पर रोग के संदर्भ में ही अभी हम बात करने वाले हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि रोग इसमें से बहुत सारी व्याधियों में, बाकी दुख से हम शायद जीवन मिलने पर बच नहीं सकेंगे, पर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो व्याधि दुख से हम काफ़ी कुछ बच सकते हैं, क्योंकि व्याधि दुख में हमारे बहुत सारी अज्ञानता या बहुत सारे आलस्य प्रमाद भी कारण है, कुछ परिस्थितियाँ भी कारण हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। व्याधि दुख को यदि आपने ठीक से समझ लिया, संभाल लिया, तो जो जरा दुख है, जो बुढ़ापे का दुख है, वह भी वो व्याधि से ज़्यादा उसका संबंध है, इसको भी आप समझे रहिए। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, शास्त्रों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके संस्कृत में जितने भी शब्दों नाम हैं वनस्पतियों के, जड़ी बूटी के, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं उनको भी पता नहीं है कि इस नाम से कौन से पौधे का ग्रहण करना चाहिए, तो एक नामावली कोश हम तैयार कर रहे हैं बहुत बड़ा, तो कुछ विद्वान लोग साथ में हैं, तो डॉक्टर कामत जी वो महाराष्ट्र से हैं, तो उनकी आयु 80 वर्ष है, पर सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे तक, यानी 80 साल का आदमी सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर के लिए भोजन के लिए एक घंटा डेढ़ घंटे के लिए निकलते हैं, नहीं तो पूरे 12 घंटा बैठ करके आज भी काम करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा थक रहे हो तो आप थोड़ा विश्राम भी कर लिया करो, बोले नहीं मेरे को बड़ा आनंद आ रहा, मैं ठीक हूँ। तो व्याधि दुख से बचने से, वह जो रोग दुख है जो है, रोग दुख से बचने से जरा दुख भी जो है वो क्षीण रहता है, शरीर ठीक है ना, भगवान ने दिया हुआ, इसीलिए वो अपना कार्य कर पा रहे हैं। और दूसरे भी हैं डॉक्टर साहब, कई लोग लग रहे हैं, डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ हैं, वो राजस्थान से, वो भी 72-73 साल के हैं, तो क्योंकि मुझको लगता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो इस विधा से जुड़े हुए हैं, हम सबको इकट्ठा कर करके उनका सहयोग हम लेते रहते हैं, काम चलता रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था को ठीक रखने के लिए भी ज़रूरी है कि हम रोग रहित रहें,
रोग रहित देह होगा तो बुढ़ापा इतना कष्टदायी नहीं होगा। फिर दूसरा जो कष्ट है जिससे बच नहीं सकते हैं वो मृत्यु दुख। तो मृत्यु दुख तो लगभग हम जो भी दुनिया में आया है तो आने का और जाने का काम, ये दो तो कोई भी नहीं रोक सकता। ना आना हमारे हाथ में था ना जाना हमारे हाथ में है, बाकी बहुत कुछ हमारे हाथ में है ये आप समझे रहिए। और जो बहुत कुछ हमारे हाथ में है और उसी से ही हमारा आना जाना भी बहुत कुछ हम ठीक कर सकते हैं, समझने की बात इतनी ही है। तो जाने के लिए तो जो मृत्यु दुख है, मृत्यु दुख के लिए भी ऐसा कहते हैं कि जब प्राण निकलने को होते हैं तो बताते हैं कि बड़ी पीड़ा होती है देह को, या तो पीड़ा भी होती होगी या फिर मृत्यु के नाम से हम सबको भय इसलिए भी लगता होगा कि हम लोगों ने बार बार उस कष्ट को अनुभव किया है। भाई पहले मर चुके हैं ना, कितने साल पहले मरे होंगे भाई, जितने साल के आप हैं उससे हो सकता है कहीं भगवान ने इधर उधर दूसरी योनियों में भेज दिया हो, वहाँ से आए हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया होगा, नहीं तो आप एक आध साल पहले ही समझ लो। भाई जितने साल के हम हैं, मान लीजिए कि आप 40 के हैं तो समझ लो कि 41 साल पहले मरे हो सामान्य रूप से। तो उससे क्या है कि वो जो स्मृति में तो है ना, चित्त में है, तो वह ये स्मृति मात्र फिर हमको पीड़ा देती है, पर जब हमारा जीवन ठीक रहता है तो वह पीड़ा भी पीड़ा नहीं देती है। तो जैसे ये पंचविध दुख के विषय में ये कहा गया, पंच क्लेश वो अलग हैं, अविद्या स्मित राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशः, वो पतंजलि वाले पंच क्लेश अलग हैं, यह जीवन के पंच ये कष्ट हैं, इनको हमको हर किसी को भुगतना पड़ता है। परंतु जैसे मैंने कहा कि दो दुख, जन्म और मृत्यु और गर्भवास, ये तीन दुख, यह काफ़ी कुछ इसका संबंध है हमारे व्याधि और जरा, इन दो को ठीक रखने के लिए ज़रूरत है बाकी सारी क्रियाओं की। जीवन भर हम जो कुछ भी करते हैं, आप देखेंगे बचपन से लेकर के हमारी जो यात्रा शुरू होती है, चाहे वह जैसे हम बच्चे थे, हमको हमारे माता पिता ने एक उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनका सामर्थ्य, उस हिसाब से वो अपने को उन्होंने अपने बच्चों को बनाने के लिए प्रयास किया। फिर उसके बाद में आप बड़े हुए, आप अपने पैरों पर खड़े हुए, फिर होने के बाद फिर आपके द्वारा वो प्रक्रिया शुरू हुई, आपकी शादी हुई, घर बसा, फिर आपके संतति हुई, तो फिर उसी प्रक्रिया को हम बढ़ाते हैं। जीवन में जो आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य का तात्पर्य एक है भौतिकी सामर्थ्य, एक है मानसिकी विचार की, आध्यात्मिकता की, परिवार की, वातावरण की, जो एक स्थिति है, जो हमारे संस्कारों का जो सामर्थ्य है। हमने ऐसा देखा परिवारों में, बहुत परिवारों को मैं जानता हूँ कि कुछ लोग बहुत नियमित हैं, उनका उठने का समय नियमित है, आहार आदि का नियमित है, कार्य करने के लिए नियमित है। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, पर बहुत सारे पैसे वाले भी हमने ऐसे देखे, कोई नियमितता नहीं है। माया तो है ना, तो उठने का समय है, न खाने का है, न सोने का है, न उनके बच्चों का है, तो हम क्या करें। साधन एक अलग चीज़ है, ये आप समझे रहिए, वो साधन है, भौतिकी जो पदार्थ हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी आवश्यकता है साधन के रूप में, परंतु साधन का सदुपयोग के द्वारा ही हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अन्यथा सिर्फ साधनों से हमको सुख नहीं मिलता है, इसको हमको समझना है। तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं, फिर हम सारी इन चीज़ों को विचार करने के बाद में, मैंने वो जन्म से और मृत्यु तक की बात इसलिए की, दुनिया की संसाधन और परिवार की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ सिर्फ हमारे विचारों और संस्कारों पर निर्भर है। कई कहते हैं कि तुम्हारा जो है वास्तु का दोष है, तुम्हारा इधर कमरा टेढ़ा है, तुम्हारी खिड़की टेढ़ी है, खिड़की टेढ़ी नहीं है, कमरा टेढ़ा नहीं है, टेढ़ापन इधर घुसता है ना, सब टेढ़ा ही टेढ़ा नज़र आता है, इधर ठीक हो जाता है ना, सब सीधा सीधा नज़र आता है। मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं,
जब ये पतंजलि योगपीठ बना, जब भगवान की दया से लोगों को ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो गया, लोग ज़्यादा आने शुरू हो गए, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रोग्राम बड़े वो हुए, तो बड़े बहुत क्षमा करेंगे जो भी वास्तु ज्योतिष वाले सब लोग, उनसे माफ़ी मांगता हूँ मैं कह रहा हूँ, बहुत लोग आते हैं, बहुत उनकी भावना है, श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो ये इधर ठीक है, उधर ठीक है, उस तरफ ये बहुत बढ़िया आपका गेट इस तरह से बना हुआ है, इसकी वजह से ना आपको बरकत हो रहा है। तो हम सुनते रहे, हमने कहा जी चलो, हमने तो कोई वास्तु के हिसाब से कोई निर्माण किया नहीं, पर उससे यदि अनुकूल लोगों को लाभ मिल रहा था, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरा फाइटिंग शुरू कर दी, आंदोलन शुरू कर दिया, पूरे इनके पीछे राक्षसों के पीछे लग गए, वो भी हमारे पीछे पूरे जी जान से जुट गए, सारे पंगे और द्वंद फंद होते रहे, तो बड़ी मुसीबतें भी खड़ी रही, आप सबको पता है, तो होने लगा। तो फिर वही भाई लोग आए, कहने लगे जी आपकी देखो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ की एनर्जी थोड़ी सी, वो एनर्जी फ्लो कम है, उधर दरवाज़ा आपका गलत दिशा में है, आप देखा आपके गेट की तरफ उधर ये टंकी इधर होना चाहिए था, दरवाज़ा उधर होना चाहिए था। तो मैं सुन सुन करके, मैं सुन भी रहा था पर मुझे कहीं अपनी परेशान तो नहीं हो रहा था, मेरे को हंसी ये आ रही थी कि हमने कहा यही कहते थे कि कितना बढ़िया बनाया है, फिर अब कहते कि कितना घटिया बनाया है। फिर मैंने सोचा कि जब, फिर हमने हंस करके कहा कि यदि हमने इतना गलत बनाया था फिर भी भगवान की दया से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये गलत ही हमको और आगे ले चलेगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो जो स्थितियां हैं, जब हमारे अंदर चीज़ें अनुकूल होने लगती हैं, जब आपके दिमाग में घुस गया कि सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है, तो थोड़ी सी भी बूंदें भी टपकेंगी ना आसमान से, आपको ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं कहीं जहर की बूंदें टपक रही हों। हमको बारिश के बूंदों को जहर नहीं बनाना है, और बहम तो इतना खतरनाक होता है, और ये सिंड्रोम के अंदर ना, मॉडर्न मेडिकल के अंदर बहुत तरह के सिंड्रोम होते हैं, तो इस तरह के जो साइकिक प्रॉब्लम है ना आजकल बहुत ज़्यादा भी लोगों के अंदर, हालांकि कुछ तो गड़बड़ भी लोग हैं, कुछ हम शंका में भी ज़्यादा जीते हैं, इतनी शंका में जीते हैं कि एक कहेगा अच्छा मेरे को फ़ोन दिखाइए, बोले नहीं नहीं मेरा फ़ोन नहीं देखना, सोचेगा पता नहीं फ़ोन में क्या लेके घूम रहा है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, घरों में, परिवारों में, विश्वास में, क्योंकि विश्वास जो एक ऐसी चीज़ है वो, उसके बिना ये दुनिया नहीं चलती है। तो ये सत्य है कि धरती में, मैं नहीं कहता कि हम एक सिरे से सबको एक रूप में विश्वास कर सकते हैं, पर हमको शंका रहित होकर के यदि हम जीवन को जीते हैं, तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हम स्वतः ही समाधान ढूंढ लेते हैं। और मैं एक चीज़ और भी मानता हूँ, यदि दुनिया में, ये ध्यान रखना, परिस्थितियाँ, प्रतिकूलताएँ, जो भी, जहाँ भी, जैसे भी हैं हम, यदि हम उन सारी स्थितियों को यदि हम समाधान के रूप में नहीं ले सकते हैं ना, हम उन चीज़ों को समाधान नहीं बनाएंगे ना, तो ध्यान रखना एक दिन हम स्वयं समस्या बन के खड़े हो जाएंगे। तो हमको समस्या बन करके नहीं खड़ा होना है, हमको समाधान बन करके खड़ा रहना है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले ये संकल्प लें हम सब, हम अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे। एक संकल्प, आप देखेंगे इससे आपका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया की अनुकूलता प्रतिकूलता को एक क्षण में हम बदल नहीं सकते हैं, कभी कभी बदल भी जाती हैं चीज़ें, पर तत्क्षण नहीं बदलती कई सारी चीज़ें। जो हमारे सामने प्रतिकूलता है वह एक क्षण में अनुकूल होने वाला नहीं है, मेरे जीवन में जो अनुकूलताएं हैं वो एक क्षण में प्रतिकूल होने वाली नहीं है, परंतु उस अनुकूलता का आनंद, उस प्रतिकूलता में अपने आप को मजबूती से, दृढ़ता से खड़े रहने का सामर्थ्य दोनों ही पाना हो, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने आप को व्यवस्थित करें। जितना आप अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, ये बहुत समझने की बात है, वह शुरू होता है आपकी दिनचर्या से। आप संकल्प कर लें, सुबह आपको, ठीक है जिसका सामर्थ्य है, आप 4 बजे उठिए, 4:30 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, पर ऐसा आप नियम बना लीजिए, किसी अपवाद को छोड़ करके, कभी कहीं बहुत विलंब हुआ, कहीं यात्रा पर गए, कहीं सोने की अनुकूलता नहीं मिली, उसको हम कहते हैं कि कभी संयोग, उसको छोड़ करके आप प्रातः काल
सभी लोग सुबह 5 बजे उठ जाएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरी दुनिया, यदि मैं कहता हूँ 5 बजे उठने की आदत डालें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं एक काम करने से। अब बताइए इसमें धनी गरीब, अमीर, अनुकूलता प्रतिकूलता, परेशानी खुशी, ये कहीं बाधक है 5 बजे उठने में? कोई बाधक नहीं है। तो फिर हम क्यों सोते रहते हैं? आलस्य, प्रमाद, बहाने, ये हमको परेशान रखते हैं। तब जब एक आलस्य, प्रमाद और बहानों को हमने एक जगह पर आक्रमण कर दिया, जो हमारा मन हमको जो शिथिल करता है, उसको, उस मन को एक तरह से हम समझा करके, मन को धमका करके हमने काम शुरू कर दिया, तो सुबह उठने से क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं, आप लोग उठते होंगे, पर इन जनरल मैं बता रहा हूँ आपको, यदि प्रातः काल उठते हैं सबसे पहली चीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठ करके पानी पीने की आदत डालिए, सामान्य सी बात है। अब आप में से, मैं सामान्य रूप से पूछूं, ये आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई रूप में करते हैं आप, कई सारे बहुत बड़े व्यापारी हैं, कोई सामान्य नौकरी करते हैं, कई सारे गांव के पृष्ठभूमि से हैं, कोई मेट्रो सिटीज़ से हैं, कई सारे विविध रोगों से ग्रसित हैं, कुछ स्वस्थ भी हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ आयु वृद्ध भी हैं, तो ये एक मिला जुला रूप है। मैं आपसे पूछूं कि प्रातः काल उठ करके कितने लोग हैं, सिर्फ ईमानदारी से बताइएगा, जो पानी नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं, ऐसे कितने हैं? चलो थोड़ी, मैंने पीने वालों को इसलिए नहीं खड़ा करा क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि सारे लोग पीने वाले हैं, इसलिए मैंने ना पीने वालों को खड़ा करवाया, हाथ नीचे कर लीजिए। तो हैं, बहुत सारे हैं, एक छोटी सी क्रिया। अब आप 1000 की संख्या में हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप योगी लोग हैं, पहले से योग करते हैं इसलिए आप यहाँ पर हैं। इससे क्या होगा, प्रातः काल उठ करके पानी पीने से, हमारे यहाँ उसको उषापान कहा गया, उसको ब्रह्म मुहूर्त में जल पीने को बहुत उत्तम माना गया है। उससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है, जो हमारे अंदर का पूरा डाइजेशन सिस्टम से लेकर जो हमारे शरीर के जितने भी अंदर के इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं, वो पूरे को शोधन करने में जल हेल्प करता है, लंग से लेकर के हार्ट से लेकर के किडनी से लेकर के स्टमक तक के लिए। सुबह पिया हुआ पानी, पूरा हमारा एसिड वगैरह जो भी जमा होता है, जो हमारे तीनों दोष, वायु, पित्त या कफ गड़बड़ होता है, उसको सही स्थिति पर लाने के लिए वो जल कारगर होता है। अब उस पानी को पीने से जब हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरी बात, उस जल को हमने बहुत बार कहा भी है, यदि आप तांबे के बर्तन में रात्रि को रख लें, अपने सिरहाने के पास रख लें, ऐसी जगह पर रख लिए कि आप जहाँ सोते हैं तो थोड़ा साइड में हाथ लग करके वो गिरे ना, इतने मात्र से तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो इतने से क्या लाभ होगा? छोटी सी बात है, जिनको रात को भयानक स्वप्न दिखते हों, बहुतों को दिखते हैं, कभी कभी डरते हुए उठते हैं, तांबे के बर्तन में पानी रख करके सो जाइए, भयानक स्वप्न नहीं आएंगे, कितना बढ़िया काम है, नींद अच्छी आएगी। और सुबह उठ करके आप पानी पी लें तो पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, विविध तरह की जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वायरस की प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि आजकल वायरल डिजीज बहुत बढ़ रहे हैं, नए नए नामों से, नए नए रूपों में दुनिया में चीज़ें आ रही हैं, तो हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो तांबे का पानी पीने से हो, अभी ये रिसर्च हो चुका है, तांबे के बर्तन के ऊपर कॉपर के अंदर यदि पानी डाल करके आप पीते हैं तो बहुत सारे जो वायरल प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। हाँ, पानी का जो मेटेलिक जो चीज़ें हैं वो तो नहीं जाती हैं उसमें, पर बैक्टीरिया और वायरल जो भी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तांबे के पानी को पीने से। तो तांबे का पानी, सुबह तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, सुबह जल्दी उठिए। फिर कोई मोटा है, देखिए पानी, पानी तो कुछ नहीं सामान्य रूप से, पर पानी में भी बहुत सारे गुण हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती हो, सुबह ठंडा पानी, ठंडा से मतलब नॉर्मल पानी पीजिए, और जिनको भयानक कफ हो वो
उबला हुआ पानी पिए, गर्म पानी, और जिनको वायु हो, दर्द वगैरह हो, वह बीज का गुनगुना पानी पिए। तो ये पानी, एक ही पानी से आप अपनी चिकित्सा सुबह ही कर सकते हैं। वायु है तो मध्यम स्तर का पानी, पित्त है तो नॉर्मल पानी, कफ है तो गर्म पानी, और मोटापे के लिए जो पीने लायक पानी है उसमें आप थोड़ा नींबू मिला करके, जिनको दर्द नहीं है, जो डायबिटिक नहीं है, थोड़ा शहद मिला के पी सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पानी पीजिए। वो तांबे के बर्तन के पानी को भी गर्म किया जा सकता है, परंतु तांबे के बर्तन में पानी गर्म मत करना उस तांबे के, क्योंकि उसके अंदर कॉपर के अंदर आपको पता है दूसरे भी उसके अंदर तत्व होते हैं, जो उसमें गर्म करने से वो अंश ज़्यादा आ जाता है, तो पानी थोड़ा सा पॉइजनस भी हो सकता है। तो इसलिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी को नॉर्मल बर्तन में आप गर्म कर करके पी सकते हैं। गौमूत्र अर्क ले सकते हैं, आप एलोवेरा भी ले सकते हैं, आंवला भी ले सकते हैं। हाँ जी, तांबे के बर्तन में गर्म नहीं करना है, नॉर्मल बर्तन में डाली हुआ वापस उसको गर्म करके पी सकते हैं। तो ये एक सामान्य विधि। आर्थराइटिस में आप नींबू ना लीजिए, क्योंकि खट्टे से दर्द बढ़ता है, तो गर्म पानी पीजिए। जिनको आर्थराइटिस है वो आंवला मत लीजिएगा, वो एलोवेरा पिए। एलोवेरा त्रिदोष नाशक होता है, आप एलोवेरा ले लीजिए। और जितने भी मोटे लोग हैं, जैसे मोटापे के लिए गौमूत्र अर्क भी अर्क लेने से भी हो जाएगा। और यदि मैंने तो कई लोगों को ऐसे, हमारे आजकल के मॉडर्न बच्चे भी, जैसे कहीं कहीं कस्बों में गांव में गाय होती हैं तो दो चार तो सीधा गौमूत्र लेकर के गटागट छान के पी जाते हैं। बछड़ी का गौमूत्र हो तो और भी अच्छा है। हालांकि जो पतंजलि का अर्क है वो पहाड़ की गायों से, हम देसी गायों से इकट्ठा कराते हैं। तो ये मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इतनी चीज़ हो जाने से।